हेलो फ्रेंड्स, राधा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ साबुनदाना की खिचड़ी। साबुनदाना को हमने 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। उसके बाद हमने 2 घंटे के लिए इसको भिगा के रख दिया था। चलिए हम मटेरियल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बटाना। बटाने की जगह आप सींग भी ले सकते हैं। हमारे पास सींग अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने बटाना ले लिया। एक मीडियम साइज का आलू हम काट लेंगे लंबे लंबे पीसेस आकार में। इसमें 2 हरी मिर्च काट लेंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा नींबू टेस्ट के लिए, हरा धनिया, 4 से 5 कड़ी पत्ते ले लेंगे। दोस्तों, हमने ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों में बनाया है। चलिए हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को होने देंगे थोड़ा गर्म। तेल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पर हम राई और जीरा का फोरन देंगे। जीरा हमारा अच्छे से तड़क जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायी है। इसमें हम 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च जो हमने काट कर रखे थे, लहसुन ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा भूनेंगे। हमारा लहसुन मिर्चा भून चुका है, हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर को भी 2 मिनट तक ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने काट के रखे थे। दोस्तों, ये रेसिपी आप व्रत में भी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें से लहसुन स्किप कर देना है। इसमें हम यहीं पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारा आलू और बटाना जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स करके इसको हम पका लेंगे। दोस्तों, हमारा आलू और बटाना अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। यहीं पर ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार रखेंगे। आपको कितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से ऐड करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुनदाना जो हमने भिगा के रखा था। इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक जो हमने पहले डाले थे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे क्योंकि हमने पहले नमक कम ऐड किया था। दोस्तों, हमारा साबुनदाना तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा चाट मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा नींबू का जूस ऐड कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, ये हमारा साबुनदाना बनके तैयार हो गया है।